व्यास जी तुमने मेरा ध्यान किया है, बोलो क्या चाहते हो। कहा प्रभु आप अगर मेरे मंत्र से प्रसन्न हैं तो आप मुझे तुम्हारे जैसा एक पुत्र चाहिए, क्यों, जो भागवत का आचार्य बन के प्रकट हो और जन जन तक कलयुग का कल्याण करने के लिए भागवत का प्रचार करे। यस्यम धर्म पिता नाम पिता पित्रो धर्म सु, पितृ का धर्म पालन करने वाला पुत्र चाहिए जो पितरों का कल्याण करे। आप सब लोगों को कड़क जरूर लगेगा, कठोर लगेगा, कड़वा लगेगा, पर सत्य यही है भागवत का। आपको बेटे की सबको भूख है, पर बेटा तुम्हारे धन संपत्ति को खाने वाला तो तुम पैदा कर रहे हो, पर तुम्हारा कल्याण करने वाला पुत्र तुम पैदा नहीं कर पा रहे हो। व्यास जी कह रहे हैं यदा पितरम पुत्र आचार्य भागवतम कृति, मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए जो भागवत का आचार्य बन के जगत का कल्याण करे और अपने पितरों का उत्थान करे। इंजीनियर कलेक्टर डॉक्टर बनकर आईएएस आईपीएस प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनकर कोई अपने मां बाप का कल्याण नहीं कर सकता। कैसे कल्याण होगा, यदम पितरम जाता भूया, ऐसे पवित्र कर्म करे कि पितर तर जाएं। त्रिलोके पितरम पुनीत कर्मण्य भूय, तीन कालों में भूत वर्तमान और भविष्य, ये तीनों कालों में अपने पूर्वजों का मृत और जीवित जो उद्धार कर दे अपने कर्मों से, ऐसा पुत्र चाहिए, तब ही पुत्र की प्यास बुझेगी। अन्यथा रोटी कपड़ा मकान पे शासन करने वाले पुत्र की कोई जरूरत नहीं है। अकेले रहो मियां बीबी भजन करो, और पुत्र चाहिए तो ऐसा चाहिए, कैसा, जैसा मांग रहे व्यास जी। आचार्य पुनीत भागवतम गति, ही भगवान का भगत हो, आचार्य हो, आचार 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 विचार, ऐसा बेटा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए जो मोबाइल लेके बिस्तर पे ना पड़ा रहे, ऐसी औलाद की जरूरत नहीं। पढ़ाई के नाम पे मां बाप को ब्लैकमेल कर रहे हैं साल भर से, पढ़ाई के नाम पे ऑनलाइन ऑनलाइन ऑन, ऐसी कि तैसी ऑनलाइन। मजबूर है माता पिता, क्योंकि माता पिता कौन से हरिश्चंद्र हैं, वो भी तो निकम्मे ही है, इसलिए औलाद कहां से आएगी महाराज। मां बाप भी तो वही खानदान है, वही वही कैटेगरी है, वो ज्यादा उम्र के है, कम उम्र के, पर है फालतू दोनों। इसलिए महात्मा इंद्रदेव कह रहे हैं फालतू रहकर बहुत दिन हो गए, फालतू के फालतू पैदा हो गए, अब किसी महात्मा के पालतू बन जाओ, गले में पट्टा डलवा लो, जिससे तुम्हें पुलिस भी पकड़ ले तो घर छोड़ने आ जाए। आवारा कुत्ते को कोई घर छोड़ने आता नहीं है। हाँ, पालतू की बड़ी ग्राहकी है महाराज, पालतू को कोई मारता भी नहीं, केस हो जाता है, पालतू को पुलिस पकड़ ले तो घर छोड़ने आवे। इसीलिए आप भी किसी महात्मा के हाथों से गले में कंठी डलवा के पालतू बन जाओ, जो पालतू हो गया उसको झंझटों में पड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, घर तक पहुंचाने आते, कभी गड़बड़ भी हो जाएगा। हमारा पालतू होने से क्या क्या करना पड़ेगा गुरुजी, अंडा मांस गुटखा तमाकू छोड़ना पड़ेगा बस। और फालतू, फालतू तो आपको पता ही है, लोग बैठे मोटरसाइकिलों पे कथा भी सुन रहे हैं और तमाकू भी पिचकार रहे हैं, यहां से दिख रहा है महात्मा तो महाराज को न जाने कहां तक दिखता है महाराज है। श्री शिवजी ने कृपा कर दी, यदम भागवतम कृति भूय, शिवजी कहते मेरे जैसा पुत्र चाहिए भागवत के लिए, तो कैलाश में मेरी पत्नी भागवत नहीं सुनती, वो सो जाती है, और मुझे धरती लोक पे भागवत सुनाने का मौका मिलेगा, तो मैं मेरे जैसा क्यों भेजूं, मैं खुद क्यों ना आ जाऊं, भागवत का ही कार्य है। तो शंकर भगवान स्वयं व्यास जी के यहां पुत्र बनकर आना चाहते हैं, पर मुसीबत यह है कि अब वो ब्रह्म है, वो कैसे पुत्र बने, वो इंसान कैसे बने। अब उल्टी गंगा बह रही है, जब से मारने के लिए दौड़ रहे थे तोता को, अब प्रार्थना कर रहे हैं हे तोता भगवान बाहर आ जाओ, है तुमने भागवत श्रवण की है, तुम पवित्र हो गए, मैं तुम्हारी मुक्ति करके तुम्हारी आत्मा में प्रवेश हो करके मैं ही सुखदेव बनना चाहता हूं। अब तोता बाहर आया, भगवान शिव जी ने तोते का कल्याण करके उसकी आत्मा का सहारा लेकर अरणी के गर्भ में चले।
कथा समझ में आई कि नहीं? आ गई? नहीं आई तो और समझा देते हैं। तोता पक्षी है, पर तोते के बच्चे ने भागवत की कथा श्रवण कर ली तो अगले जन्म में उसे भागवत आचार्य बनने का अवतार प्राप्त हो गया। वो तो पक्षी था दो टांग वाला, तुम भी दो टांग वाले हो। अगर तुम इस जन्म में भागवत की कथा नियम से सुन लो तो अगले जन्म में तुम भी भागवत आचार्य हो सकते हो, भगत हो सकते हो, ब्राह्मण हो सकते हो, सज्जन हो सकते हो, सदाचारी हो सकते हो। पक्षी की गति भागवत श्रवण से हो गई तो इंसान की गति के लिए तो भागवत लिखी गई है।